गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स टुडे आवर टॉपिक इज प्रपोजिशंस आज हम पढ़ेंगे प्रपोजिशंस प्रपोजिशंस क्या होते हैं ये हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में इंक्लूडेड है जहाँ पर नाउन वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव ये सब आते हैं सो लेट्स स्टार्ट सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ प्रपोजिशन प्रपोजिशन एक ऐसा लिंक है जो नाउन को दूसरे वर्ड्स के साथ जोड़ता है दूसरे वर्ड्स के साथ एक जो हमारा लिंक है लिंक आप बोल सकते हैं रिलेशनशिप हम जब कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें नाउन भी होते हैं और दूसरे वर्ड्स भी होते हैं तो उन वर्ड्स के साथ जो लिंक होता है नाउन या प्रोनाउन का तो उसको हम बोलते हैं प्रपोजिशन जैसे नाउन दूसरा वर्ड जो होगा वो नाउन भी होगा वर्ब भी होगा या एडजेक्टिव भी होगा अब हम एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए समझते हैं जैसे एक कैट है द कैट इज़ सिटिंग अंडर द टेबल ओके द कैट इज़ सिटिंग कैट बैठी हुई है लेकिन कहाँ पर बैठी है वो टेबल वो हमें पता नहीं है द कैट इज़ सिटिंग अंडर द टेबल अगर हम अंडर इसमें से हटा दें तो आप सिंपल से पढ़िए द कैट इज़ सिटिंग द टेबल इसमें कोई रिलेशन हमें नहीं पता चल रहा है हमें ये समझ नहीं आ रहा है द कैट इज़ सिटिंग द टेबल वी आर नॉट गेटिंग दिस सो हम क्या करते हैं जब हम इसमें अंडर लगाते हैं तो ये हमारा एक लिंक बन जाता है द कैट इज सिटिंग नाउन और वर्ब जो है उसका एक लिंक बन जाता है टेबल के साथ सो so, अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन इसी लिंक के ऊपर बेस्ड होकर हमारा जो प्रपोजिशन है वो तीन टाइप्स पे डिपेंड होता है जैसे वैन वैन इवेंट एंड थिंग इज गोइंग टू हैपन और वेयर द इवेंट और थिंग्स इज गोइंग टू हैपन एंड द थर्ड वन इज़ इन विच डायरेक्शन द थिंग्स और द इवेंट्स आर गोइंग टू हैपन सबसे पहले हम व्हेन देखते हैं व्हेन को हम बोलते हैं प्रपोजिशन ऑफ टाइम कि कब जैसे इन ऑन एट बिफोर एंड आफ्टर तो ये हमारे एग्जांपल्स हैं किसकी प्रपोजिशन ऑफ टाइम की हम एक सिंपल सी एग्जाम्पल्स इसको समझते हैं जैसे माई बर्थडे फॉल्स इन जनवरी मेरा बर्थडे जो है वो जनवरी में होता है इन इन यहाँ पर हमारा लग गया दैट इज अ प्रपोजिशन ऑफ टाइम कब होता है जनवरी में तो वेन आपका यहाँ पर प्रूफ uh, हो जाता है देन सेकेंड इज माई वेकेशन एंड्स ऑन मंडे मेरी छुट्टियाँ खत्म हो रही हैं कब मंडे को तो ऑन यहाँ पर आ गया आपका लिंक बिटवीन द नाउन एंड द अदर वर्ड्स सो थर्ड वन इज इट गेट्स कोल्ड एट नाइट एट जो है वो हमारा प्रोपोजिशन आ गया यहाँ पर प्रोपोजिशन ऑफ टाइम कब होता है रात को होती है ठंड होती है ठीक है तो इस तरह से आपने देखा when जो है दैट इज ऑफ टाइम जो हमें बताता है कौन सा टाइम कब होता है कौन सा काम कब होता है नाउ द सेकंड वन इज वेयर अब हमारा वेयर जो है दिस इज आल्सो इन द टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन जिसको हम बोलते हैं प्रपोजिशन ऑफ प्लेस की कौन सा काम या कौन सा इवेंट कौन सी थिंग जो है कहाँ पर है या कहाँ पर हो रही है ओके okay? तो यहाँ पर हमारा अंडर एबो इन ऑन एट दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रपोजिशन ऑफ प्लेस अब आप सोच रहे हो यहाँ पर भी इन ऑन एट है और यहाँ पर भी इन ऑन एट है ये हम देखते हैं वहाँ पर टाइम के हिसाब से लगाया जाता है और यहाँ पर प्लेस के हिसाब से लगाया जाता है देखिए द बुक्स आर ऑन द टेबल कि किताबें जो हैं वो कहाँ पर हैं टेबल पर है तो ऑन यहाँ पर क्या आ गया प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस पीछे आपने देखा माय बर्थडे फॉल्स ऑन इन जनवरी ठीक है वहां पर इसी तरह इन uh, वहां पर भी था यहां पर भी लगेगा द प्लेन इज जस्ट बिलो द ब्लो क्लाउड्स प्लेन जो है वो कहां पर है बिल्कुल क्लाउड्स के नीचे बादलों के नीचे तो बिलो यहां पर आ गया आपका वेयर प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस नाउ इन विच डायरेक्शन द थिंग्स और द इवेंट्स आर गोइंग टू हैपन अब हम देखेंगे कि उसको हम क्या बोलते हैं प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन कि कौन सी चीज़ या कौन सा थिंग uh, कौन सा इवेंट कौन सा uh, काम कहाँ पर हो रहा है किस डायरेक्शन में हो रहा है दैट इज टू इन टू ऑफ और फ्रॉम वी वेंट टू लंडन लास्ट वीक हम लोग कहाँ गए लंडन गए तो टू जो है यहाँ पर हमारा आ गया प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन दिखा रहा है किस डायरेक्शन में हम गए लंडन गए ही वेंट अप हिल वो कहाँ जा रहा है पहाड़ पे ऊपर जा रहा है ऊपर तो ओ, आप आ गया यहाँ पर हमारा प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन सो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इसका जो हमारा थर्ड टाइप है दैट इज़ प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन टू आप ओके तो ये हमें बताता है कि हम लोग किस डायरेक्शन में कौन सा काम कर रहे हैं नव आ गया लास्ट वन एक और चीज़ है इसमें दैट इज कॉल्ड ए प्रपोजिशनल फ्रेज फ्रेज आपको पता है क्या हो गया ग्रुप ऑफ वर्ड्स ठीक है जिसमें लेकिन प्रोपोज़िशनल फ्रेज हो गया ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग प्रोपोज़िशन अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं द रै रैबिट हॉपड थ्रू द गार्डन हॉप थ्रू द गार्डन थ्रू जो है वो यहां पर प्रपोजिशन है और द थ्रू द गार्डन हमारा फ्रेज है द बेलून ड्रिफ्टिड अप यहाँ पर हमारा प्रपोजिशन है अब द स्टेयर्स हमारा प्रपोजिशनल फ्रेज बन जाता है एक और एग्जाम्पल हम समझते हैं इसके लिए ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए द टाइगर क्रैप्ट स्लोली ओवर द ग्रास यहाँ पर प्रपोजिशन है और ओवर द ग्रास हमारा प्रपोजिशनल फ्रेज है तो इस तरह से आपने देखा हमने अभी तक जो भी ये आ, पढ़ा जैसे फ्रेज़ और ये प्रपोजिशन इसमें है जिसकी वजह से लिंक होता है दूसरे वर्ड्स के साथ उसको हम बोलते हैं प्रपोजिशनल फेज अब हम एक जल्दी से रिवई लेते हैं सबसे हमने पहले पढ़ा व्हाट इज़ प्रपोजिशन नाउन का दूसरे वर्ड्स के साथ जो रिलेशनशिप है उसको हम प्रपोजिशन बोलते हैं फिर हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन दैट डिपेंड्स ऑन व्हेन वेयर एंड इन विच डायरेक्शन प्रपोजिशन ऑफ टाइम प्रपोजिशन ऑफ प्लेस एंड प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन ये हमने पढ़ा कि वैन जो है जब कोई काम कब हो रहा है या कोई चीज़ कहाँ पर हो रही है दैट इज़ वैन वेयर हो गया प्लेस की जगह कहाँ पर हो रही है पोजिशन ऑफ प्रपोजिशन ऑफ प्लेस उसको बोलते हैं और फिर हो गया इन विच डायरेक्शन जो हम काम कर रहे हैं दैट इज़ ऑफ डायरेक्शन और प्रपोजनल फ्रेज आपने लास्टली पढ़ा कि क्या होता है दैट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग प्रपोजिशंस ओके तो इस तरह से हमने पढ़ा जिसमें प्रपोजिशन भी होते हैं और फ्रेज भी होते हैं Thanks dear students. <laughs> stay safe, stay home.